आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ नैना। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर जिले के कांडा में मिशन हौसला के तहत पुलिस ने कई गांव में बुजुर्गों को फल, दवा, सैनिटाइजर और मास्क बांटे। इस दौरान पुलिस ने 110 साल की देवबुली देवी को सामग्री और डॉक्टरी की सलाह भी दी। वहीं उन्होंने सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने पैदल पहुंचकर देवबुली देवी से मुलाकात की, साथ ही उन्हें फल, जूस, मास्क और सैनिटाइजर भी दिया। वहीं उन्होंने अन्य बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात कर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस को सूचना देने की बात कही है। मैं थाना अध्यक्ष कांडा महेंद्र प्रसाद, वर्तमान में पुलिस द्वारा मिशन हौसला चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी सीनियर सिटीजन लोग हैं, असहाय लोग हैं, वृद्धजन हैं, उनका जो है पुलिस द्वारा सहयोग किया जा रहा है। हर संभव जो भी उनको आवश्यकता है उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। बागेश्वर जिले के सानी उड्यार में पेयजल योजना से बनी टंकी में जल संस्था की ओर से सुधारीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके चलते संस्था की ओर से टंकी के चारों ओर तार बार लगाया गया। इस दौरान पेयजल उपभोक्ताओं ने एतराज जताते हुए काम की गुणवत्ताहीन होने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि टंकी के खराब होने के चलते इसमें पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता, साथ ही अब ग्रामीणों ने विभाग से टंकी की पूरी पाइपलाइन चेंज करने की मांग की है। बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना की रोकथाम को लेकर हर संभव काम किया जा रहा है। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाए जाने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने जिले में इलाज की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात कही। आपको बता दें कि जिले में जांच रिपोर्ट आने में समय लग रहा है, जिसको देखते हुए डीएम ने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। देखिए, एक जो हमारी प्रायोरिटीज है अभी, उसमें सबसे पहले ये है कि हम लोग सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा करवाएं, और उसके लिए भी क्योंकि आरटीपीसीआर में थोड़ा लैग होता है, 4-5 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में, तो हम लोग आरटीपीसीआर पे अब हम रैपिड एंटीजन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और प्रतिदिन जो है अब हमारे यहाँ पे 600 से 700 रैपिड एंटीजन प्रत्येक दिन हो रहे हैं, उसी को हम बढ़ा के चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है 1500 से 2000 तक रैपिड एंटीजन हम यहाँ पे करवा सके। इसके लिए अभी ऑलरेडी हमने 30,000 रैपिड एंटीजन किट्स परचेज करने के लिए सीएमओ साहब को धनराशि जो है अवेलेबल करवा दी है, और उनके तरफ से ऑर्डर भी इसका चला गया है, तो अगले 1-2 दिन में हमारे पास रैपिड एंटीजन किट हमें प्राप्त हो जाएगी और हम लोग ये जो रेट बढ़ाना चाह रहे हैं उसको बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा दूसरी हमारा जो कोविड केयर सेंटर्स भी हम लोग हमारी कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो है कोविड केयर सेंटर का 100 बेड का एक सेंटर हमारे यहाँ पे बागेश्वर में चल रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रत्येक जो ब्लॉक है और प्रत्येक हमारे सब डिविजन है उनके अंदर भी हमारे कोविड केयर सेंटर हम संचालित करें। बागेश्वर में युवा कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में घर पर रहकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार ने कोरोना को लेकर कोई खास रणनीति नहीं बनाई और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया है। वहीं हालात इतने जर्जर हो गए हैं कि मरीज को इलाज के लिए बेड तक नहीं मिल रहा। वहीं अब कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की है। बागेश्वर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनोज ओली के नेतृत्व में जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर सेवा ही संगठन अभियान के तहत सहायता की जा रही है, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे युवाओं के लिए मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से मास्क, सैनिटाइजर और पानी की व्यवस्था की गई। साथ ही सेंटरों के कर्मचारियों के लिए भोजन और चाय की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से लगातार कार्यकर्ताओं की ओर से ये काम किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता बागेश्वर जनपद के द्वारा अपने जनपद के सभी मंडलों में हम लोगों ने वैक्सीन सहायता केंद्र यहाँ पर लगाए हैं। आज बागेश्वर ब्लॉक के बिलोना बस अड्डे में और अपना विकास भवन में हम लोगों ने आज वैक्सीन सहायता केंद्र लगा रखे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वैक्सीन सहायता केंद्र में पानी की व्यवस्थाएँ और जो लोग उनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क देने का काम, इसके अलावा कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर किसी के पास उन्हें छोड़ने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है उन्हें छोड़ा जा रहा है, और जो लोग वहाँ पर ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर दिन शाम 5 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जलपान और भोजन की व्यवस्था भी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ पर की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा बागेश्वर द्वारा अनेकों मंडलों में यहाँ पर जो वैक्सीन सेंटर बने हुए हैं सरकार की तरफ से, वहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हेल्प डेस्क लगाए गए हैं, जिसमें हम लोग जो यहाँ पर वैक्सीन लगाने वाले लोग आ रहे हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा, उनको पानी पिलाना, जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पर कार्य कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी उनको हम जलपान देना या उनके भोजन की व्यवस्था करवाना, इस तरीके के कार्य हमारे द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं, और मास्क वितरण और
सैनिटाइजर वितरण का भी कार्य हमारे द्वारा हर वैक्सीन सेंटर में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।